आज कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की हम जितने मेंबर्स दिल्ली में है, सर स्पीकर साहब से मुलाकात करने की फैसला किया था और स्पीकर साहब से मुलाकात भी की और हमारे ऊपर जिस तरीके से अत्याचार और हिंसा हुआ है और होने वाला है, विस्तृत रूप से इसके व्याख्यान हम लोग दिए हैं स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब हमारे सारे बात बड़े ध्यान से सुना भी है और अगले तारीख हम दिल्ली के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे एमपी के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस तरीके की घिनौने हमला किए और वो भी खास दिल्ली में जब एआईसीसी दफ्तर के अंदर भी घुसते हुए हमारे कार्यकर्ता को, हमारे एमपी को जिस तरीके से यहाँ के पुलिस वालों ने हमला किया, काफी हमारे एमपी गहरा चोट भी खाई हैं और जब थाने में ले जाते हैं थाने में भी यहाँ के पुलिस वालों ने कल हमारे एमपी के साथ इस तरीके की बर्ताव किए हैं कि लगता है हम सारे कांग्रेस की एमपी और कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आतंकवादी बन चुके हैं। राहुल गांधी जी को लगातार 3 दिन 10, 11, 12 घंटे तक पूछताछ किया जाते हैं, फिर दोबारा बुलाए जाते हैं। देखिए, किसी से कोई पूछताछ करने में हमें कोई परहेज नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो भी करो उसमें बदला की राजनीति ना किया करो, हिंसा की राजनीति ना किया करो। आज तक आपने देखा है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को लगातार 3 रोज और वो भी 11 घंटे 12 घंटे पूछताछ किया जाते हैं, उनके तिजोरी में कितने सारे सवाल मौजूद है मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो जा रहे हैं, हम क्या गुनाह किया? मान लीजिए आपके घर से आपका कोई रिश्तेदार कभी बाहर जा रहे हैं, चाहे ट्रेन पकड़ने के लिए, चाहे एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो घर वाले ने आपको साथ जिनके संपर्क नजदीक करीब है उन्होंने क्या सीएफ कोने नहीं जाते? सीएफ कोने नहीं जाते? हम लोग कभी मना किया कि राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर जाना मना है, हम ईडी दफ्तर जाने नहीं देंगे, ये तो नहीं कहा हमने। हम लोग क्या क्या कि राहुल गांधी जी जाएंगे एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी, वो हमारा नेता है, वो नेता जहाँ जाते हैं हम उनको सीएफ करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम चलेंगे उसके उनके साथ। अगर वो गाड़ी में जाए तो जा सकते, हम पैदल जाना चाहते हैं कि ये का अन्याय है, ये का हमारा कानून में इसका कोई सहमति नहीं है, इजाजत नहीं है। और मैं हम लोग क्या किया, लेकिन फिर भी ये आज की जो तानाशाही की सरकार, ये तानाशाही की सरकार सारे दिल्ली को
एक किले में तब्दील कर दिए हैं और यहाँ लगातार हमारे खिलाफ एमपीस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की आम कार्यकर्ता के खिलाफ ये लोग लगातार हमला बोले जा रहे हैं। आपको सुनने में हैरान होगी, हमारे महिला लोकसभा की नुमाइंदे और राज्यसभा की नुमाइंदे, उनका पर जिस तरीके से कल अत्याचार हुई है, कुर्ता उनकी बदन से कुर्ता को उखाड़ने की, छेड़ने की कोशिश किए गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकते हैं कि आप वीडियो देखिए, हमारे लोकसभा की एमपी ज्योति मोनी जी की, जिनके साथ किस तरीके की घिनौने बरता हुए हैं आपको खुद पता चलेगी। कामीज फाड़ दिए, थाने में पानी तक नहीं दिए गए पीने के लिए, खाने की बात छोड़ी दो। और रात में जब वापस घर आई वो सब रोती रही। अब मेरी बात यकीन के साथ सुन लिया करो, अब खुद जाके देखो कि इस तरीके की अत्याचार करना के हिंदुस्तान की ये अमृतकाल की ये नज़ारा है। हिंदुस्तान की अमृतकाल को ये मोदी और अमित शाह की सरकार ये जहर काल में तब्दील करने की प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप खुद देखो, हिंदुस्तान में कभी क्या कोई आंदोलन नहीं होते? हम क्या किसी को कहीं रास्ता रुके, कहीं दफ्तर तोड़ने की तो आंदोलन नहीं किए? हम लोग गांधी जी की दिखाए हुए मार्ग पे शांतिपूर्ण तरीके से हमारा बात रखने की कोशिश किए, ये क्या गुनाह है? मैं सरकार से पूछना चाहते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, जब सारे दिल्ली को किला में तब्दील किया गया, ईडी दफ्तर को किले में तब्दील किया गया, तो वहाँ के अंदर की खबर इन लोगों पास कैसे पता चलते? ये तो प्लांटेड स्टोरी है, ये तो प्लांटेड स्टोरी है। हमें वहाँ एक अंदर ना जाने नहीं देते, बात नहीं करने देते, ये परिंदा को घुसने नहीं देते, तो वहाँ के अंदर की बात बाहर कैसे आता है? क्योंकि ये सारे जो हो रहे हैं हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देश पे हो रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ सुविधा होगी कांग्रेस को और तोड़ो, कांग्रेस के बीच और खाई बढ़ा दो, कांग्रेस के भीतर अंदरूनी लफड़ा को बढ़ा कैसे दिया जाए, इसके सारे साजिश हो रहे हैं। हमें तो पता नहीं, उनकी नज़दीक नेता है पता नहीं, हमारे एमपीज को पता नहीं, उनको पता चल गया और गोदी वालों को पता चल गया।